ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 16/5/2024 के अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करें। उत्तर, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है, बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी भी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को ये मालूम है ये बाप है, इसमें डरने की बात नहीं। ये कोई साधु महात्मा नहीं जो कोई बददुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, इसलिए लोग उनसे मनुष्य डरते हैं कि कहाँ वो हमें श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी बातें नहीं, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं, वे लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझा नहीं देते हैं आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज़ होते हैं, बाप तो समझाते रहते बच्चे अपने को सुधारने के लिए। याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो, याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बिल्कुल सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है ही बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उनको मारना बिल्कुल नहीं है और ही वो सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकार के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई की बातें करते। टीचर चाहिए जो सिखावे या सुधारे, तो बाबा गरीबों की ही बात करते हैं। कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते, मैं हूँ गरीब निवास, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है, तमो प्रधान दुनिया है ना, तमो प्रधान की भी हद होती है। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़े। बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी लेकर के नहीं आई। आदि समय हमारा यज्ञ का जो था, उस समय की बातें बाबा कर रहे हैं। हंगामा भी कितना हो गया, ड्रामा में जो भी होने का था वो सब हो गया। ख्याल भी नहीं था कि ऐसे भी होगा। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है, इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखा करके ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, माता बहनों के बाबा कहते जो पति थे वो विलायत से आ गए कि ये कहाँ जा रही है, हाँ कौन से सेंटर पर जाती, क्या करती है, कौन सा सत्संग है ऐसा, हाँ तो फिर विलाय से वो आ गए। बोले, विष दो, विकार के लिए तंग कर रहे थे। यह कहे, हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। माता बहनों ने फिर इनकार कर दिया। इस पर इन्हों का एक गीत बना हुआ है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके, ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में सब होता है, हंसी खुड़ी आदि आदि। ये तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियाँ ले आई,
फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों की कभी माला नहीं होती है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहाँ भक्ति होती नहीं। यह नॉलेज है समझाने की, समझने की है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात, अल्प को जान गए हो तो बे बादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है, बाबा कहते हैं मेहनत है इसमें। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बाप को, बेहद के बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करेगा। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, वो तो सारा कलयुग में होता है। यह तो बच्चे समझते, यह बाप दादा दोनों ही इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की छुट्टियां आती है बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाबा से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम एंड ईव, किसको कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स है, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से, ये बहुत गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है। यहाँ बाजू में आकर के बैठते हैं ब्रह्मा बाबा के बाजू में। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया हुआ है, ब्रह्मा बाबा का रथ। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है, इस मकान का अथवा रथ में आत्मा बैठी है, इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान या रथ देवे तो क्या समझते हो, है ना? इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। स्वयं भगवान को शरीर देना, शरीर के द्वारा शिव बाबा कार्य कराते, किराया कितना बड़ा मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही सोचो तो सही। जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते, आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाबा तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली, बड़े घर में साहूकार घर में बाबा कहते राजा के घर में जन्म लेते हैं तो बड़ी लॉटरी मिली। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे, ये सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाबा के साथ डायरेक्ट योग है, सन्मुख बैठे हैं इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारणा करनी है, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है फिर प्रायः लोप हो जाता है,
ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तो वेद शास्त्र आदि पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो, अब मूल बात समझाई जाती है, तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इससे तुम पद्मापदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो, वहाँ तो सब सुख है। बाबा याद दिलाते तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए, तुम विश्व के मालिक थे फिर सब गवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना वंडरफुल खेल है, ये फिर होगा, अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, यहाँ मनुष्यों को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है, देखो एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगड़ सर्व को एवर हेल्दी कोई भी नहीं बना सकता है। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो, बाबा तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं ड्रामा प्लान अनुसार। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता भी बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाई, नॉलेज भी सुनाई है, बच्चों को सावधान भी किया, बच्चे गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लेते बच्चों प्रति, मातपिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मातपिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मातेश्वरी के मधुर महावाक्य सुनते हैं। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनिया में मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए, इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है, वह कोई हठयोगी कर्म संन्यास नहीं, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्मयोग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए हैं जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता, अर्थात पांच विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए हैं कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का यह ग्रहण जो आधा कल्प से लगा है, इसमें आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र है, चमत्कारी है। सब जब सोल पवित्र होती है ना तो तन भी निरोगी सुंदर पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सके जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख करके गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं घर में वापस आ जाए, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ सर्वों से संन्यास किया, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई है, तभी तो उस धन और पदार्थों को ठोकर मार दी ना। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानीपने का अथवा राजाई का संन्यास कर दिया, यह है अतीन्द्रिय ईश्वरीय अलौकिक सुख जिसके आगे दुनियावी सर्व पदार्थ तुच्छ है। उन्होंने यह पता ही नहीं है कि इस अमर जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना, परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद भी दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम युग पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं
विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल करे। अब ये राज भी समझाना है, जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर के क्या करेंगे। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक महामंडलेश्वर के मुआफिक यह महल नहीं बनाने हैं, या महल बनाए बैठ नहीं जाना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर का बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे तो सौ पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है, और जितना जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर के पुरुषार्थ करो। धारणा के लिए मुख्य सार, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजानों से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की भी सेवा करते रहो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और ही बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। तो ऐसे ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।